चलो भाई चलते हैं, अभी चाय वगैरह हो गई तो अभी हम जाएंगे अपनी गाड़ी के पास। ये हमारी गाड़ी पार्क यहाँ पे लगी हुई है भाई ने। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज फिर मैं एक नया व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। व्लॉग को अच्छी तरह से देखिएगा और अच्छी तरह से सुनिएगा। तो दोस्तों, आज मैं दो दिन से बंदे का वेट कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं क्या बंदे को मोबाइल स्विच ऑफ रखना चाहिए या नहीं। उसके बाद मैंने कल घर जाना था लेकिन कल भी नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ घर में शादी है, कल भी नहीं जा पाया। अभी भी मैं कॉल कर रहा था, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, ठीक है। अभी भी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ तो कमरे में बैठा हुआ हूँ और एक आदमी के पास मेरे पैसे फंसे हुए हैं, उसको भी मैं 10-15 दिन से जो है पैसे मांग रहा हूँ लेकिन वो आज कल कर रहा है। तो दोस्तों बताना क्या ये सही बात है या गलत बात है। किसी को धोखा देना, किसी के साथ दगा करना अच्छी बात है या सही बात है? बाकी आप देख सकते हैं, मैं अभी अपने बेड पर हूँ, उठा अभी जागा हुआ हूँ, अभी मैं फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद जो है चलते हैं आगे, दिखाएंगे आपको रामगढ़। तो भाई मैं देखो यहाँ पे पहुँच गया हूँ बाजार में, रामन बाजार में। तो मिले आपने भाई यहाँ पे चाय पिलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम पियेंगे चाय। तो ये हमारे छोटे भाई, यहाँ मैंने शाखा के बारे में अभी तक बात हो रही थी, शाखा से हमारी मुलाकात हुई नहीं, तो यहाँ पे शौकत भाई मिले। शौकत भाई, हमारी तरफ से कोई तकलीफ वगैरह कुछ आपको पक्का? ठीक है, ऐश करो भाई, क्या जिंदगी 4 दिन की है, जिंदगी को मजे से जीना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई हम आपकी वीडियो आज शाम को चढ़ाएंगे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो व्लॉग में बने रहे, मिलते हैं इंशाल्लाह आगे। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं पहुंच चुका हूं शहरी में। तो आप देख पा रहे होंगे मैं अभी शहरी में हूं, अपने दोस्तों के साथ मिलने आया हूं, यहां पे दोस्तों के साथ बातचीत होगी। ये है शहरी का मकाम। तो यहां पे मैं आया हूं आज अपने दोस्तों के साथ मिलने, जिसका नाम क्या है, यासर कटोज भाई साहब मेरे साथ रोज बैठते हैं, ये अपने दूसरे भाई हैं मेरे, तोहीर अहमद। तो ये अपने खास तासीर अहमद, ठीक है, इनके साथ तो हमेशा हम बने रहते हैं, ठीक है भाई। मैं जा रहा हूँ घर, तो पीछे ख्याल रखना, है ना, पीछे ख्याल रखना। तो बाकी आपको मेरे साथ कैसे दिन निकले, क्या हुआ, हाँ हमारे साथ इंशाल्लाह याद रखना। तो आप 2-3 दिन जाओ घर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा, मान अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी हमारे साथ आबिद साहब जुड़ रहे हैं, आबिद साहब आबिद भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आबिद भाई और आप ठीक हो, चाय पियोगे? आप चाय पकड़ रहे थे, वो पियो भाई जान, वो पियो यार, आपने पकड़ी नहीं चाय यार, आपसे हाथ मिला रहा था, चाय पकड़ा रहे हो। और बाकी बढ़िया आ रहा है पीछे से, पक्का? तो चलो भाई ठीक है, आप नहीं चाय पियोगे यार, चाय बनवा दो। यही बोलना चाहता हूँ सर, चाय पी ले यार, ड्यूटी यही पे है ना। हाँ मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगा यार आपके साथ टाइम गुजार के, टाइम गुजार के। देखो जब इंसान मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर मैं कहीं खुदा ना करे मेरे कुछ हो गया, नहीं होगा तो आप कैसे बोलते हैं नहीं होगा, हो सकता है यार, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में यार, कुछ नहीं होगा, जिंदगी दे अल्लाह तो पता है, अल्लाह के हाथ में कुछ नहीं होगा, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। इसलिए तमाम दोस्तों से मिलके जाना चाहिए, दुआ सलाम करके जाना चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। जब भी आप घर से निकलते हो, हर एक अपने चार भाई बहन सबसे सलाम दुआ अच्छी तरह से, मेरी तरह वो लेके ताकि हो सकता है घर में ना रहूं, मेरी यादें रहेंगी, है ना, मैं नहीं रहा तो मेरी यादें रहेंगी राम पर शेरी के अंदर। ट्रांसफर भाई हम वापस आएंगे, अभी छुट्टी जा रहा हूँ, कितने दिन की छुट्टी है, जाऊँगा अभी हफ्ता एक लगाऊंगा।
जिंदगानी रही तो। तो ये शेरी की लास्ट चाय की चुस्की लेते हुए मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तब विलास में बने रहे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किश्तवाड़ का रास्ता, और किश्तवाड़ पहुँच के फिर आपके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ भाई, ठीक है भाई? सो गाइज, अभी हम शेरी से निकल चुके हैं, तो मेरे साथ अपने भाई निसार भाई मिले हैं। निसार भाई जो मेरे साथ यहाँ पे पोस्टेड है, ठीक है? तो अभी मैं जा रहा हूँ किश्तवाड़ की तरफ, तो बने रहें व्लॉग में। ये देख सकते हो आप, ये अभी शेरी रामबन से क्रॉस होते हुए मैं रामबन की तरफ पहुँच गया। सुबह सुबह शेरी में इसलिए गया, आप सोचोगे पता नहीं क्यों गया, तो वहाँ पर जो यारी दोस्ती है वहाँ पर मेरे सब के साथ जो है बहुत अच्छा बर्ताव है, इसलिए मैं वहाँ गया उनसे मिलने के लिए। उनने फ़ोन कॉल किया था, आप आए नहीं, तो मैं मिलने गया। मैंने बोला भाई मैं जो है आज घर जा रहा हूँ, तो दो चार हफ्ते के लिए, तो एक हफ्ते के लिए, तो तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखना, ठीक है? अभी मैं निकल रहा हूँ बाज़ार के बीचों बीच, क्रॉस होकर निकलूँगा मैं। तो व्लॉग में आप बने रहें, व्लॉग में अभी बहुत मज़ा आने वाला है। अभी आप देख पा रहे होंगे मैं अभी हूँ रामबन के मकाम पर, रामबन से मैं गुजर रहा हूँ। आप देखें ये रामबन का जो पेट्रोल पंप है, यहाँ से गुजर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं बाहर से बाजार के अंदर से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाजार के अंदर से तो सीधे किश्तवाड़ की तरफ। तो आप बने रहें इंशाल्लाह, आगे फिर जो कुछ मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। तो व्लॉग में बने रहें, व्लॉग में मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज बच्चों को जो है सरप्राइज़ मिलेगा। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं जो है घर आ रहा हूँ। शादी घर में जो चल रही थी, तो शादी कल से स्टार्ट थी घर में, मैं गया नहीं था। आज मैं अचानक से जब जाऊंगा तो वो सरप्राइज़ बच्चों के लिए भी होगा और मेरी फैमिली के लिए भी होगा। तो चलो भाई अल्लाह व्लॉग में बने रहें। अभी कैप्टेरिया से क्रॉस होते हुए आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ का रोड जो है बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त रोड है, और आज ट्रैफिक बहुत कम है। जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो है ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, तो रोड जो है क्लियर है। अभी हम आपको मिहाड़ का जो है थोड़ा सा दर्शन करवाते हैं, मिहाड़ पार्किंग जो है वहाँ दिखाएंगे। आज हम आपको NH44 हाईवे की कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं, तो बने रहें व्लॉग में। कुछ जगहें जिनसे महफूज इंसान को रहना चाहिए वो दिखाना चाहते थे, जैसे कि कैप्टेरिया है, उसके बाद एक एरिया और है हमारा, जैसे क्या बोलते हैं मियार तो आ गया, उसके बाद हमारा आ गया नाशरी के साथ में एक पसी है, तो वो दिखाना चाहेंगे। तो तब तक व्लॉग में आप बने रहें, ऐसे ही व्लॉग को पूरा देखना, व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है मिस नहीं करनी है। व्लॉग अगर देखना है तो पूरा देखना है, कि ताकि पूरा जो है आपको समझ आए और पूरी जगह जो है आप देख सको और आप नज़ारों का मज़ा ले सको। ये देखो भाई, ये अभी हम पहुंचने वाले हैं मिहाड़, तो रोड आप देख ही रहे होंगे। अभी मैं अपनी जो है गाड़ी लेके जा रहा हूं। आज मैं आपको किश्तवाड़ के इसके साथ में NH44 जो है हमारा NH44 नेशनल हाईवे अपडेट, जैसे मैं पेज के ऊपर दिखाता रहता हूं, तो आज आपको YouTube के ऊपर और Facebook के ऊपर भी ये देखने को मिलेगा। तो सेम नाम है मेरा, डार्श फायद के नाम से Facebook पेज है मेरा, और डार्श फायद व्लॉग के नाम से मेरा YouTube के ऊपर चैनल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिसको व्लॉग अच्छा लगे। ये देखिए पार्किंग की बात कर रहा था मैं, ये पार्किंग पार्क होते हैं, जब ट्रैफिक खाली हो जाता है आगे से, तो इन ट्रालों को जो है छोड़ दिया जाता है, शाम के टाइम में इनको छोड़ दिया जाता है, तो ये निकल जाते हैं। तो ये पार्किंग है, पार्किंग हुआ गई, और एक पार्किंग अभी बकाया है। अभी आप एक पार्किंग और देखो, ये देखिए और एक पार्किंग जो है आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितने ट्राले लगे। ये हो गया टायर पंचर हमारा भाई जान, अभी हम इसको क्या करेंगे, टायर चेंज है, टायर को बोर भी है, ये बहुत जोर मसला है। एक मिनट सर, मैं निकालूंगा ये काम आ सकते बस निकाल दो मेहरबानी हुई। चलो एशिया हमारी एक ही है, कोई नहीं फर्क है।
ना उसको कोई नहीं, हम आगे देखेंगे। चलो बोश मेलन सीख कान का मेलन सहारा कोई मिल जाए तो। बड़ोद से नीचे थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे तो ये दिखाएंगे यार अपनी गाड़ी जो है पार्क हमने यहाँ पे कर दी। अभी घर बार शेख बस जनाब फिट बाजर तो मैं पहुँच गया हूँ गाइस बहरहाल किश्तवाड़ रिंकू भाई के शॉप पे। आप देख सकते हैं जो शालीमार में रिंकू भाई का शॉप है वहाँ पे मैं अभी एंटर हो गया और रिंकू भाई के पास चाय पीऊंगा। रिंकू भाई चाय मिलेगी हमें? बिल्कुल तो रिंकू भाई यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है ना? क्या क्या चीज यहाँ पे जो है अवेलेबल है? आमलेट टोस्ट वगैरह तो बहुत बढ़िया लगता है। जब भी यहाँ पे आना हो तो यहाँ पे बैठ के जाए खाए मजेदार। और आचार आचार है आज आपका? ये सब कुछ बैठने के लिए फैसिलिटी है भाई। ये शालीमार का वो एरिया है आप देख सकते हैं। ये देखिए भाई पार से ये कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। तो ये हमारी धनों लगी है ये देखिए भाई। तो भाई व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आगे किश्तवाड़ एंटर होते ही, तब तक आप बने रहें। तो गाइज मैं पहुँच गया हूँ घर। ये देखो अनया बोल रही थी रास्ते में मुझे कि आज अबू के साथ करना है जंग। तो कर भाई जंग, बोल क्या करना है, बोल कर जंग। तो ये आ गया अयान। वालेकुम सलाम, आप ठीक ठाक हो? सेठ ठीक है, मजे में है। तो मजे अभी में। रास्ते में जो भी व्लॉग हमने बनाया है वो आप अभी ऐड होगा, उसके बाद फिर आज शाम को इंशाल्लाह आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो व्लॉग में बने रहे। अनाया फिलहाल मेरे साथ जो है जंग करना चाहती है। अनाया जंग करेगी भाई, अनाया जंग करो मेरे साथ। आपने बोला था ना जंग करना है, बाद में तो वो मुझे शान नहीं दिख रहा है। कहाँ वो गाड़ी पे कहीं वो कहाँ गया? तो गाइस व्लॉग में बने रहे तो देखते हैं अभी आगे जाना है हमने। अनया के साथ तो मिल गया मैं, अनया ने कोई जंग नहीं किया। अनया बोल रही थी फोन पे मैं जंग करूंगी, तो अभी जाना है हमने शादी में। तो मिलेंगे शादी में, बनके तैयार रहो, बने रहो।